चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगना भी शुरू हो गया है। यह आरोप खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगा है, जिसे लेकर चुनाव आयोग भी गंभीर दिख रहा है। चुनाव आयोग ने इस मामले में जांच रिपोर्ट भी मांगी है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आचार संहिता के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा की और उसके बाद आचार संहिता तुरंत लागू हुई, लेकिन राजस्थान की सरकार जो लगातार पिछले 4 महीने से सरकार जाने के भय के कारण लगातार ट्रांसफर, अलग अलग प्रकार की घोषणाएं, प्रलोभन देने के जितने भी तरीके हैं, ऐसा लगा कि उस दिन 9 तारीख को ही सारे काम करके उसके माध्यम से अपने सरकार को बचा सकते हैं। तालमेल हो रहे हैं, घोषणाएं करके आचार संहिता की उल्लंघन का पूरे दिन में दस्तक, हम कह सकते हैं कि 9 अक्टूबर को ही 3 आरपीएससी के मेंबर्स को आचार संहिता लगने के बाद घोषणा करते हैं। 2 राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड में नियुक्तियां करने का काम उस दिन होता है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष के नाते उस दिन नियुक्ति का काम, 5 बोर्डों का गठन ताबड़तोड़ करने का, जबकि मुख्यमंत्री भी जानते थे इन सबको, जिनको हम बोर्ड का चेयरमैन बना रहे हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा देने का कागज की फॉर्मेलिटी भी पूरी की, ना गाड़ी मिलने वाली है, ना स्टाफ मिलने वाला है, ना उनको ऑफिस मिलने वाला है, केवल चुनावी घोषणा मात्र रह गए।